तो फिलहाल यहाँ पे विहान की लंच की तैयारी हो रही क्या हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने छोले बना दिए जो कि मैंने रात में बनाए थे, और इसको बाद में बेसन वगैरह लगा के बनाते हैं। वो मैंने पिछले बहुत रेसिपी में मतलब बहुत सारे ब्लॉग में रेसिपी शेयर की है, तो ये चीज़ें बाकी भी यहाँ पे मैं पूरी बना रही हूँ। तेल गर्म होता है तो पूरी बनाते हैं, और विहान का जो है वो लंच पैक करते हैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30, और फिलहाल लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया, और अब जो है विहान को नहलाना है। तो मम्मी भी वर्दी प्रेस करे, उतने देर में मैं विहान को नहलाने के जाती हूँ और नहा धोने के बाद फटाफट से तैयार करती हूँ कि लेट ना हो जाए। तो इसलिए तो पहले फटाफट काम करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं और आज के ब्लॉग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। विहान जो है वो स्कूल जा चुका है, बट विहान अभी तक नहीं उठा। देखते हैं क्या करे भाई साहब। पहले तो दुकान की चाबी फेंकी यहाँ पे। भाई सब तो सोए हुए हैं, इतने मजे से सोया हुआ है। दीपक जो है वो जा चुके, तो भाई साहब जो है अकेले अकेले बहुत मजे से सोए। तो ऐसा है तो विवान जो है वो सोया हुआ है और विहान स्कूल जा चुका है, तो ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा दीपक भी जा चुके हैं, तो अब मम्मी मैं पापा हम ही हैं। हम मतलब अभी मैंने आटा गूंदा है, तो वो ब्रेकफास्ट बनाएंगे छोले पूरी के लिए, मतलब पूरी के लिए आटा गूंदी है। तो ऐसा ऐसा है, बाकी देखते क्या रहता है। फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा आज के लिए, आज क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। तो ये है, बाकी काफ़ी दिनों बाद, एक हफ्ते से ज़्यादा मतलब दिन हो गए, तो समझ नहीं आ रहा क्या ब्लॉग शूट करना क्या बोलूँ। घर वाले जो है वो खेत में पानी लगा रहे और गाय भी छोड़ा हुआ है, तो मैं गाय देखने आई थी ताकि नीचे ना भागे, डायरेक्ट खेत की तरफ को भागे। तो ये बाकी मैं फूल ले जाते हैं, मतलब कि घर में लगाऊंगी अभी। और इसके अलावा जो है ना 9:30 बजने वाले, विवान अभी तक भी सोया, उठ ही नहीं रहा, इतनी आवाज़ें दी फिर भी नहीं उठ रहा। अब उठा, हाँ जी। तो फिलहाल मैंने विवान को नहला दिया और मैंने मुँह हाथ धो लिया क्योंकि पानी था, इसलिए मैंने मुँह हाथ धोया और भाई सबको नहलाया। और अब थोड़ी देर शॉप पर बैठते और उसके बाद मिलते, बाकी सारा काम हो गया। फ़ोन में बात करते करते सारा काम किया ना, तो टाइम को पता ही नहीं चला मतलब कि टाइम कैसे बीत जाता है, और ब्लॉग भी शूट करना था वो ही भूल गई थी। A few moments later. तो अभी जो है हमारा शॉप पे आगे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, बट अभी मेरा एक चीज़ आया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो आया है ये चोली जो कि नीला चोली है। वैसे मैं आपको साइड में फ़ोटो मेंशन कर दूँगी कि चोली क्या क्या चीज़ है। एक्चुअली मुझे हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं हम दोड़ू, उसके साथ हम कभी लाल पहनते हैं और कभी हरा, काला तो नहीं होता है, लाल और हरा होता है। तो ये जो है नीला, ये पहले पहले ज़माने में पहना जाता था, जो मेरी नानी है, मेरी नानी ने भी एक फ़ोटो में पहना था, बट मेरे पैदा होने से पहले मेरी नानी की डेथ हो गई थी, तो मेरी नानी के पुराने फ़ोटो में मैंने देखा था कि उन्होंने ये वाला चोली पहना था। तो ये अब दोबारा से फैशन वापस आ गया, तो अभी कम से कम लोगों के पास है, कुछ कुछ लोग बना रहे अभी, तो सब बना रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया कि बनाने दे दिया था। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें कस्टमाइज करवाई है, मतलब जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे 3 बटन लगवाए हैं, और बाजू इसका सीधा था, मैंने इसको पुराने फैशन के उससे बनाया है इस तरीके से फोल्ड में। तो ये भी मखमल है, ये है नीला मखमल, हरा और लाल मेरे पास है तो मैंने नीला बनाया। बाकी मुझे दूसरे जो नॉर्मल हमारे लैंग्वेज जो पौरी बोलते हैं नॉर्मल वाले जो सफ़ेद वाले बास्कुट होते हैं वो पसंद नहीं मुझे, तो फिर मैं मखमल ज़्यादा मतलब हमेशा बास्कुट मखमल की मुझे ऐसे पहनती हूँ, तो इसलिए बाकी ये। और सेम इसी तरीके एक और चीज़ बनाने दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी वो चीज़। फिलहाल तो ये है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए, और पर मैं दोड़ू तो नहीं पहन सकती अभी, हाँ पर मैं आपको ट्राई करके दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है, और मैं खुद भी देखना चाहती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ और फटाफट से पहनती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये चोली जो है पहन के कुछ ऐसा लग रहा है, और फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए लाइफ में। तो ये बाकी कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ अलग सा। अब इसको मैं कभी ट्रेडिशनल अपनी जो मेरी ट्रेडिशनल ड्रेस है दौड़ू उसके साथ पहनूंगी, तब बताऊंगी कैसा लग रहा है। फिलहाल तो लुक तो अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है। एक और चीज़, अभी जो मैंने एक बार फ़ोटो क्लिक किया वो मैं आपके साथ थोड़े से यहाँ से आगे शेयर करूँगी कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो फिलहाल बाहर जो है मौसम ख़राब हो चुका है और तूफान चल रही है हल्की हल्की, और इसके अलावा जो है मैं खाना वगैरह खा के शॉप पे भी आ गई और विवान को भी सुला दिया, तो ये सब काम किया, बट ब्लॉग शूट करना फिर भी भूल गई, तो ये चीज़ है। बाकी कुछ नहीं, अब मेरे पास कुछ काम नहीं, थोड़ी देर बैठूंगी। अब वैसे भी विहान के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा है,
तो ये सब कुछ है। और इसके अलावा जो है बीते दिनों में जो है ना बहुत कुछ हुआ। मैंने अपना पूरा शॉप भरा है सामान से, तो ये भी बहुत सारा काम था, शॉप समेटना, सामान वगैरह लगाना, ये सब कुछ। तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ शॉपिंग करने गई इस शॉप की, तो पूरा शॉप जो है मैंने पूरे तरीके से भर दिया। तो ऐसा ऐसा है। बाकी बड़े वाले आटा चावल मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि शॉप पे नहीं बिकते, इसलिए छोटे छोटे वाले चीज़ें। तो ये है, पहले पहले ना शॉप की नॉलेज नहीं होती थी, क्या लेना है क्या नहीं लेना है स्टार्टिंग था, बट अब पता लगता है जैसे जैसे ग्राहक आते हैं तो उनको क्या ज़रूरत है वो पता लगता है, तो धीरे धीरे चीज़ें पता लगती है। तो ऐसा ऐसा है। बाकी अब वेट करते हैं विहान का, अब जब विहान आएगा तभी आपसे मिलेंगे। बाकी ये आदत तो मेरी कभी नहीं छूटेगी। फिलहाल इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो मैं अनाज ढकने जा रही हूँ। यहाँ पे इधर को अनाज रखा हुआ है। अनाज ढक के आ गई। बाकी मम्मी ने पापा के लिए बोला था कि पापा को बोला अनाज ढकने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ही चले जाती हूँ क्योंकि पापा सोए हैं विवान के साथ। तो इसलिए क्योंकि इस बार किया था ना, इस बार मैंने अनाज मतलब एक आध बार खेत से लाया होगा मैंने, बाकी वो झाड़ने वाला काम तो मैंने एक बार भी नहीं किया, मम्मी पापा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को शॉप भी देखनी है, उसके ऊपर विहान विवान को देखना है, पढ़ाना है, घर का काम करना है, तो इसलिए खेत का काम भी करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सासू मकाए, तो इसलिए बता रही हूँ कि वो खेत का काम संभाल रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी फ़िलहाल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और बादल, सॉरी बिजली कड़क गई, बिजली तो ऐसा है। अब टाइम भी हो चुका है बस, और लाइट भी चली गई, टाइम हो चला है मतलब विहान के आने का और लाइट चली गई फिलहाल। तो ऐसा ऐसा है, बाकी देखते क्या रहता है। क्या हुआ? पापा की गाड़ी चोरी हो गई है बोले को? क्या पापा की गाड़ी? पापा ने गाड़ी चोरी किया? उठा उठा बोला, पर मैंने झूठ नहीं बोला, जच्ची में बोल रहा हूँ। चच्ची में बोलो, चच्ची। लो हाँ, तो अब जो है शाम के 6 बज चुके हैं और अब जाके लाइट आई है, जस्ट अभी आई है। और मैंने अभी तक पावर बैंक में थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया फ़ोन को, 15% तो चार्ज हो गया। तो ऐसा है। बाकी इसके अलावा अब घर जाएंगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो कुछ काम नहीं है यहाँ पे शॉप में, मतलब थोड़ी देर बाद शॉप बंद करूँ फिर घर जाऊँगी। और घर वाले जो अभी अनाज का काम कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी देर बाद धूप निकल गई थी, तो घर वाले जो है वो अनाज का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है थोड़ी देर बाद ही मौसम साफ हो गया था, बट लाइट नहीं चल पाया, अब जा पाएंगे तो व्लॉग भी शूट नहीं कर पाए। और यहाँ शैतानों का क्या? चलो क्या चाहिए? हाँ देखने वाला क्या चाहिए? हाँ हम दुकान में चोरी करते, आदमी चोर है। तो आपसे हम मिलेंगे घर जाके, जब खाना बनाऊंगी तब देखते हैं, अभी तो पता ही नहीं क्या बनाना है घर में, मतलब खाना क्या बनाऊंगी वो ही पता नहीं, तो देखते हैं। ऑलमोस्ट खाना तैयार है, यहाँ पे चपाती बन चुकी है, इधर जो है चिकन पक रहा है, और यहाँ पर जो है वो चावल पक चुका है, और यहाँ पे जो है बीन्स और आलू की सब्जी बन गई है।